आप सभी दोस्तों का नमस्कार और मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं इसकी बैटरी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। बस एक्टिव है, जैसे कि देखिए चाबी हमारी ऑन है और फ्यूल मीटर की लाइट फ्यूल मीटर चल रहा है और हॉर्न इंडिकेटर और सेल्फ इन तीनों में से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए तो बैटरी दोस्तों इसके अंदर लगी हुई है और मैं इसको वोल्टेज को 20 पे डाल देता हूँ। बैटरी चेक होती है और इसमें दो तार हैं, ये रेड वाले को रेड वाले की तरफ लगाना है और ब्लैक वाले को ब्लैक वाले की तरफ लगाना है। जैसे कि दोस्तों मैंने देखिए ये ब्लैक वाला तार ब्लैक में लगा लिया, प्लस वाला तार प्लस में लगा लिया और 13 वोल्ट जो है बैटरी का दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों हॉर्न दबाते ही दोस्तों ये देखिए दोबारा वहीं आ जाएगा 10 पे और ये पूरा 1 पे जा रहा है। ये देखिए इसका मतलब जो इसकी दोस्तों बैटरी है बिल्कुल डेड हो चुकी है। और इसका हम सेल्फ मार के दिखाते हैं एक बार। ये देखिए बैटरी में दोबारा 9:30 पर पहुंच गया। ये देखिए तो इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर दिक्कत आ रही है और दोबारा देखिए 12:30 पे या 12:13 पे आ चुका है। तो वोल्ट जो दोस्तों बैटरी का माना जाता है 12:30 वोल्ट ही माना जाता है, 12 वोल्ट ही माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो है यहाँ जा रहा है और अगर हॉर्न भी दबाते हैं तो दोस्तों 1 पे पहुंच जाता है। इसका मतलब जो बैटरी जो है अंदर से बिल्कुल डेड हो चुकी है और ये दोबारा 12:12 पे जा रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों बैटरी के अंदर दिक्कत है। तो इसका दोस्तों क्या करना है, हम पहले एक बार नई बैटरी डाल के देखते हैं। इसके अंदर नई बैटरी डाली जाएगी और नई बैटरी डाल के चेक करते हैं और नई बैटरी सक्सेस हो जाता है तो दोस्तों इसका मतलब बैटरी में दिक्कत है। और ये देखिए 13 दिखा रहा है, ये देखिए 13 वोल्ट दिखा रहा है। अब दोस्तों इसको निकाल के हम नई बैटरी डालने वाले हैं। तो नई बैटरी डाल के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह जो है ये सब काम करते हैं और किस तरह जो है इसको चेक करा जाता है। जैसे कि इसमें हमने एम्पियर मीटर में चेक कर लिया तो एम्पियर मीटर में दोस्तों बिल्कुल सही बताया, इसका मतलब दोस्तों बैटरी में ही दिक्कत लग रही है पूरा पूरा। अब इसकी बैटरी नहीं लगाते हैं फिर आपको बताते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हमारे पास एमरोन की नई बैटरी आ गई है 4 LV जैसा कि थी उसमें, और इसमें हम लगा लेते हैं और लगा के मैं आपको नट टाइट करके दिखाता हूँ कि ये लॉगिन ले रही है नहीं ले रही है। तो जैसा कि दोस्तों देखिए हमने प्लस और माइनस का तार दोनों का लगा लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव, और चाबी ऑन करता हूँ मैं और चाबी हमारी ऑन हो चुकी है। तो ऑन होने के बाद दोस्तों मेरे पास इसका मतलब दोस्तों इसका देखिए हॉर्न भी बजने लग गया है और दोस्तों इसका सेल्फ भी चलने लग गया है पूरी तरीके से। दोस्तों दिक्कत जो आ रही थी वो किस में आ रही थी, वो आपकी बैटरी में आ रही थी इसकी एमरोन की। इसका मतलब बैटरी में पंगा था जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हमने जैसे कि बैटरी अब नई लगा दी तो इसको जल्दी से टाइट कर लेते हैं और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये गाड़ियाँ जो हैं अब जो आ रही हैं वो बैटरी के बिना स्टार्ट नहीं होती, इनमें थोड़ा बहुत करंट जो है बैटरी में होना चाहिए, क्योंकि BS6 गाड़ियों में जो पेट्रोल जाता है वो बैटरी के द्वारा ही जाता है। जैसे आप चाबी ऑन करते हैं तो बैटरी के द्वारा ही जो मोटर चलती है और उसके द्वारा ही जो पेट्रोल है इंजेक्टर की तरफ जाता है। तो ये दोस्तों जी ध्यान रखिए, अगर आपकी बैटरी वगैरह में दिक्कत आ रही है तो उसकी बैटरी को जल्द से जल्द चेंज कराएं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।